जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से कल 10,000 सब्सक्राइबर 10K कंप्लीट हो गए हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा क्लास 9th का मैथ चित्र प्रकाशन बुक से। प्रश्नावली नंबर 1.4 तक कर चुके हैं, आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 1.5। ठीक है, तो आ जाओ इस प्रश्नावली को करने से पहले, मतलब बहुत छोटा सा प्रश्नावली है और बहुत बड़ा भी समझ लो। अगर आ रहा आप लोगों को तो छोटा है, नहीं तो बड़ा है। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट होते हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर पता रहेगा तो आप लोग आराम से कर लोगे, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है, जैसे कोई चीज दिया हो, क्या दिया हो, एपीएम। ठीक है, ऐसे दिया हो बेटा तो इसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्ला, आधार बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, एक्सपोनेंट होता है, इस बेस होता है। तो एक फार्मूला होता है बेटा, अगर कहीं पे दे दे जैसे एपीएम इंटू एपीएन। ठीक है, मतलब क्या है बेटा कि इसका एक्सपोनेंट जो घात है अलग अलग है और आधार जो बेस है बेटा सेम है। ठीक है, ऐसा कहीं पे दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, एपीएम प्लस एन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एपीएम प्लस एन। ठीक है, जैसे 2 पे 5 दिया हो और गुड़े 2 पे 4 दिया हो तो हम लिख सकते हैं 2 पे 5 प्लस 4, मतलब 2 पे डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना आप लोग कर लोगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है बेटा, जैसे दे दे एपीएम और होल पे बेटा क्या दे दे, यन। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एपीएम इंटू यन। ठीक है, एपीएम यन। कैसे, जैसे दे दे 2 पे 2 दिया हो या कुछ भी दिया हो, इस पे 3 दिया हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे 2 गुणे 3, तो कितना होगा, यम यन ना बेटा, 2 3 6। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को, ये 2 फार्मूला आप लोगों को पता हो गया। ठीक है, तीसरा फार्मूला देख लो बेटा, तीसरा अगर आप लोगों को पता हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कहीं पे दे दे एपीएम अपान एपीएन, तो इसको क्या लिख सकते हो, दोनों का बेस सेम है बेटा, आधार बराबर है, घात अलग अलग है, तो लिखोगे एपीएम माइनस एन। ठीक है, जैसे दे दे AP5 / AP2, तो लिख सकते हो बेटा AP5 / AP2, तो मतलब AP5 - 2, तो कितना हो जाएगा, AP3 हो जाएगा। एक ही जगह पे कोई नंबर ले लेते तब भी सेम रहता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता, कर लेते आप लोग। अब बाबू क्या है, जैसे यहाँ पे हर बार आधार सेम था, अब क्या हो, घात सेम हो। ठीक है, जैसे AP m हो इंटू BP m हो, क्या हो बेटा, ए पे यम हो और बी पे यम हो, तो क्या हो जाएगा, ए बी पे यम हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 पे कितना हो 5 हो जाएगा बेटा, 2 पे 5 हो और 2 पे कितना हो, 2 पे 5 हो बी है ना बेटा, 3 पे 5 हो, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 पे 5, मतलब 2 3 6 पे 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो यह प्रश्नावली समझ लो यहीं पे खल्लास हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर इतना आप लोग समझ गए तो प्रश्नावली करने में कोई भी कहीं पे दिक्कत होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलो इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखते हैं बाबू प्रश्नावली के क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग अगर इतना केवल समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा हम पहला देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है बाबू, जैसे पहले क्वेश्चन में 3 है, टोटल 3 क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरे में 3 है, दूसरे में कितने हैं बेटा, 3 नहीं 4 हैं, और तीसरे में 4 हैं। ठीक है, तो पहला दिया बाबू मान ज्ञात कीजिए, पहला दिया इसमें, पहले में पहला 64 पे 1/2, क्या दिया बेटा 64, मतलब 64 दिया है इस पे 1/2। ठीक है, अब 64 मतलब क्या होता है बेटा, 8 × 8 = 64 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, क्या लिखेंगे बेटा, 8 का स्क्वायर और बेटा इस पे 1/2 करोगे, बोले हैं जैसे एपीएम हो और होल पे एन हो तो एपीएम इंटू एन होगा, तो 8 पे 2 गुणे 1/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, 8 पे 1 होगा, 8 पे 1 का मान
आठ होगा, ए हो जाएगा बाबू आप लोगों का आंसर। ठीक है, आ जाओ दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा, दूसरे को लगाते हैं इसमें। दूसरा कहा 32 पे 1/5, ठीक है 32 दिया है, इस पे दिया है बेटा घात कितना 1/5 दिया है। ठीक है, तो 32 को हम लिख सकते हैं कितना 2 पे 5 और टोटल पे 1/5। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहां पे 2 पे 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तीसरा अगर हम देखें, क्या देखें तीसरा, तीसरा देखेंगे तो कितना दिया है बाबू 125 पे 1/3, 125 दिया है और इस पे दिया 1/3, इसको लिख सकते 125 को हम कितना 5 25 बन जाए 125, 5 का क्यूब/1, ऊपर कितना बेटा 1/3, तो कितना हो जाएगा 5 पे क्यूब/1/3, इससे कैंसिल, कितना आएगा इसका आंसर 5, इसका 2 आएगा बेटा, इसका कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे को लगाते हैं, देखते हैं दूसरा क्या कह रहा, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरे में पहले में बेटा 3 क्वेश्चन था, दूसरे में 4 क्वेश्चन है, तो दूसरे का पहला देखते हैं। ठीक है, इसमें भी कहा है मान ज्ञात कीजिए, 9 पे 3/2 दिया है, पहला दिया है बेटा 9 पे 3/2, तो 9 को हम लिख सकते हैं बेटा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और होल पे बेटा कितना 3/2 है, तो 3 का स्क्वायर गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना होगा बेटा 3 का क्यूब, 3 3 9 27, तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा बेटा कितना 27। ठीक है, समझ में आया, आ जाओ मेरे रसगुल्ला दूसरे वाले पे। दूसरे का दूसरा क्या कहा है, 32 पे 2/5 ए दिया है, 32 पे 2/5 यही दिया ना बाबू, और पहले वाले में दिया था दूसरा नंबर 32 पे 1/5। ठीक है, चलो 32 पे 2/5, 32 को हम लिख सकते बेटा 2 पे 5, ठीक है, और 2/5 है, 32 को 2 पे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, 5वें पे जाओगे तो 32 हो रहा है। ठीक है, तो 2 पे 5 लिख सकते हो, तो इसको खोलोगे बेटा 2 पे 5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 पे 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा आंसर हो जाएगा कितना 4। आ जाओ तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा मेरे रसगुल्ला, 16 पे 3/4, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 16 पे 3/4, 16 को लिख सकते हैं बेटा 2 पे 4 और होल पे है 3/4। ठीक है, तो 2 पे 4 × 3/4, इससे इसको काटोगे बेटा कितना बचेगा 2 पे 3 और 2 पे 3 का वैल्यू कितना होता है 8 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर किसका, दूसरे का तीसरे का आंसर, दूसरे के तीसरे का। ठीक है, आ जाओ चौथे पे, क्या कह रहा है फोर्थ नंबर बेटा का, 125 से -1/3, तो 125 पे -1/3, तो 125 को लिख सकते हो बेटा 5 पे 3 पे -1/3। ठीक है, तो कितना होगा 5 पे 3 और गुड़े -1/3, 3 से 3 कैंसिल, आएगा बेटा 5 पे -1, 5 पे -1 को क्या लिखेंगे 1/5। अगर कोई चीज घात बेटा माइनस में है तो वह चीज क्या होती है बटे में चली आती है। ठीक है, जैसे कहीं पे आपको दे दे 5 पे -1, तो आप क्या लिखोगे बेटा कि 1/5 लिखोगे। ठीक है, यक्स पे माइनस एक, तो क्या लिखोगे बेटा 1/x लिखोगे, यक्स पे -2 1/x² लिखोगे। ठीक है, समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया यहीं पे खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को आप नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी लगाते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्या कहा बाबू, इसमें भी कई क्वेश्चन है, देखना पहले पे आ जाओ, तीसरे का पहला क्या कहा है बाबू कि 2 पे 2/3 दिया बाबू, 2 पे 2/3 इंटू दिया है बेटा 2 पे 1/5, 2 पे 1/5, तो बेटा अगर दिया हो एपीएम इंटू एपीएन, तो क्या होगा एपीएम प्लस एन यही होगा, तो ये हो जाएगा 2 पे 2/3 + 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू इसका क्या करो एलसीएम निकाल लो, तो कितना होगा 2
तीन और पांच कैल्सियम कितना होगा, 15 होगा, हो जाएगा। 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10 होगा, ठीक है। प्लस 5 × 3 = 15, 3 × 1 = 3, मतलब ये हो जाएगा 10 × 3 = 13/15। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 13/15 लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू समझ में आया होगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का पहला, ठीक है। आ जाओ इसमें दूसरे पे, दूसरा क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला, दूसरा कह रहा है कि 1/3 × 3 = 7 है, ठीक है। तो क्या होगा, ए पे यम और होल पे यन अगर हो बेटा तो लिखेंगे ए पे यम इंटू यन, ऐसे होगा इसका गुणा, तो हो जाएगा 1/3 × 7 = 21, इसका इसमें गुणा हो जाएगा बेटा, और यह बटे में उसको ऊपर लिखोगे तो 3 × -21 होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। कोई चीज बटे में तो ऊपर ले जाओगे माइनस में, कोई चीज ऊपर माइनस में उसको बटे में लिखोगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ तीसरे पे, तीसरा क्या कह रहा, तीसरे को भी लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा कहा 11/1/2 और 11/1/4 दिया है। तो बाबू अगर इसको हम लिखेंगे, ध्यान देगा, ए पे यम अपान ए पे यन, तो क्या होगा, ए पे यम माइनस ए पे यन होता है। तो इसी प्रकार 11/1/2 है और बटे में 11/1/4 है, तो इसको लिखेंगे 11/1/2 − 1/4, ठीक है। तो अगर सॉल्व करोगे तो 11 पे कितना आ जाएगा, ध्यान देना, करोगे 1/2 − 1/4 का एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक है। 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, माइनस यहां पे कितना बचेगा 1, तो 1/4 बच जाएगा, ठीक है। तो 11/1/4 ये हो जाएगा तीसरे का आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। आ जाओ बाबू तीसरे का चौथा देख रहे हैं, क्या कह रहा है तीसरे का चौथा, कह रहा बाबू 7/1/2 8/1/2, ठीक है। 7 पे दिया 1/2 डॉट करके दिया है 8/1/2, आपसे बोले हैं बेटा ए पे यम हो और गुड़े या डॉट क्या हो बी पे यम हो, तो आप लिख सकते ए बी पे यम लिख सकते हो ना मेरे रसगुल्ला, लिख सकते हो एकदम। तो क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा 7 × 8/1/2, तो 7/56 और 56/1/2 ए हो जाएगा इसका आंसर। इसी के साथ प्रश्नावली नंबर 1.5 यहीं पे हो गया खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ, विविध उदाहरण दे रहा मतलब विविध ऐच्छिक प्रश्नावली के साथ मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन चाहे वो विविध का हो, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो, चाहे प्रश्नावली का हो, सब सॉल्व कराएंगे। बस आप लोग जी और जान लगाइए, मेहनत से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच।